यही है आलोक मौर्य जी का आवास, यानी कि ज्योत्यालोक, यानी कि ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के नाम की यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है। उनके नाम का यह मकान है, या पीछे आप देख पा रहे होंगे यही है उनका मकान। यानी राय तो यही कि पति पत्नी एक हो जाए। ऐसे कुत्ते तो घूमते रहते हैं, जो मतलब जब किसी कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे घर देश में कि मतलब घर की फूट जगत की लूट। तो ऐसे कुत्ते जो आ जाते हैं ना, जिनका कुत्तों को भी नाम दे दें या तो भेड़िया कह दें या ये तो किन को कह रहे हैं? मनीष दुबे, आलोक मौर्य जी आईना है ज्योति मौर्य के लिए। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि भाई जाकर और आके साइयां मार सके ना कोई। बिल्कुल, इन्होंने तैयारी तो खूब बना रखी थी, लेकिन वो एक और बात रख देता हूँ कि देखो, पति परमेश्वर का रूप भी होता है, पति विधाता भी होता है। बिल्कुल, लेकिन इनको एक मैसेज दे देता हूँ ज्योति मारे मेरी बहन जी को, पति तुम्हारा विधाता नहीं और तुम्हारा भाग विधाता है। बताइए, आमतौर पर पहले जब आप लोग कभी मिला जुला करते थे तो उस समय इनका व्यवहार कैसा हुआ करता था? बहुत अच्छा था, पहले ऐसी नहीं थी या कभी? नहीं, कभी ऐसा नहीं। वो खुद ही आलोक मौर्य जी बोले 2020 तक तो बहुत अच्छे थे। जब से क्या बोलते हैं, मनीष दुबे नहीं बोलते उसको भेड़िया बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं, या और कुछ है नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के झलवा में है, और झलवा की अगर बात करें, जो आप पीछे हमारे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यही है आलोक मौर्य जी का आवास, यानी कि ज्योत्यालोक, यानी कि ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के नाम की यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है। उनके नाम का यह मकान है, या पीछे आप देख पा रहे होंगे यही है उनका मकान, यानी कि ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मकान। और बता दें कि आज हमारे साथ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के जानने वाले उनके करीबी हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये क्या जानते हैं उनके बारे में और कब से जानते हैं। और बता दें कि इन दिनों जो प्रयागराज में SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य को लेकर विवादों का सिलसिला सुर्खियों में बना हुआ है, उस मुद्दे को लेकर जो है ये क्या कहते हैं, इनकी राय क्या है, क्या सोचते हैं और क्या क्या बातें हमारे सामने रखते हैं, तो आइए इनसे परिचय कराते हैं और इनसे ही हाल माहौल जानते हैं कि दरअसल ये अपनी क्या क्या बातें हमारे और आपके सामने रखते हैं। तो ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ? शैलेश चौधरी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं शैलेश? मैं खागा, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, ये बताइए आलोक मौर्य जी को और SDM ज्योति मौर्य जी को कब से जानते हैं? लगभग मैं 2013 से जानता हूँ। 2013 से जी। कैसे जानते हैं, मतलब कहीं रहने के दौरान? नहीं, जब पढ़ते थे तो वहीं हम इनको जानते थे, उनको बहुत अच्छा लगता करते थे जी। हम अपने क्षेत्र में थे, अल्लाहपुर में थे। अच्छा, जब ये अल्लाहपुर में रहते थे SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, किराए पे रहते थे? हाँ, तो आप भी वहीं रहते थे? जी जी, मतलब बहुत अच्छा इनका नेचर भी था, इनको बहन भी मानते थे हम। बिल्कुल, बहुत अच्छा इनका स्वभाव भी आज भी है, बस अच्छा, कुछ नहीं, गलत कुछ भी नहीं है, बस उसके आगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, तो जो इन दिनों इनके जो है विवाद को लेकर जो मामला चल रहा है, आप सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? राय तो यही कि पति पत्नी एक हो जाए। ऐसे कुत्ते तो घूमते रहते हैं, जो मतलब जब किसी कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे घर देश में कि मतलब घर की फूट जगत की लूट। तो ऐसे कुत्ते जो आ जाते हैं ना, जिनका कुत्तों को भी नाम दे दें या तो भेड़िया कह दें या ये तो किन को कह रहे हैं? मनीष दुबे, यानी कि जो तीसरे कैरेक्टर, जो इतने कैरेक्टर खराब किए हुए, तो सोशल मीडिया जस्ट sadhvi.com ऐसे कई मतलब प्लेटफॉर्मों से लड़कियों का शोषण करता है। अब इस दुबे ये तो अब तो मनीष दुबे का नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी को चेतना चाहिए कि आज वही जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कहता हूँ, उनकी बेटी है कोई? योगी आदित्यनाथ की कोई बेटी है? अब बेटी हुआ, अभी तो बहुत सारे मामले हुए, मैं उस पर भी विचार करना। तो अभी अभी 18 तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह की पेशी थी, कहाँ गए? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी कोई बेटी नहीं थी, बेटी बचाएंगे कैसे? यानी कि आपके कहने का कहीं ना कभी कभी ये होता है, मन में विचार कहीं ना कहीं आपके कहने का, हम देश में रहते हैं, हम कोई नेता नहीं है। सुन लीजिए, आपके कहने का कहीं ना कहीं इंटेंशन ये है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक या फिर कोई भी जो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर वो ऐसा कर देता तो कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, ऐसा ही है भाई, 2018 में सस्पेंशन हुआ तो उसके बाद केस भी लगा, उसमें कोई अपाई नहीं होती। जैसा कि आपने ब्रजभूषण का जब आपने
हवाला दिया इसके 2018 में यही मनीष दुबे सस्पेंशन हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी उस टाइम पे? तो ये बताइए कि जो मामला इन दिनों विवाद में बना हुआ है और इसमें जो तीसरे अहम कैरेक्टर हैं यानी कि मनीष दुबे, तो मनीष दुबे को ही लेकर ये सारा प्रोपोगंडा हुआ है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो घर की फूट जगत की लूट तो हमने पहले ही बताए थे। इसमें कहीं ना कहीं पे अल्ट्रक्शन है। हम ज्योति मौर्य का क्या किया हो सकता है, उनके मतलब कैसा होता है प्रेम, प्रेम एक अलग, लेकिन उसमें सेक्सुअल डिजायर है और उसमें कुछ है नहीं, प्रेम तो कहीं है ही नहीं दिखता। तो आपको नहीं लगता कि जो SDM ज्योति मौर्य की हैं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती भाई, कहीं ना कहीं दोनों को सहमति नहीं, नहीं हो सकता है। इसी बताए भाई कि वो शायद इसके पहले उनके साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो तो या प्रेम में हो सकता हो जाए, लेकिन ये तो इनका गलत रास्ता है। नहीं, ये भी एक PCS रैंक की अधिकारी थी और वो भी एक IPS रैंक अधिकारी है, तो कम से कम दोनों को सोचना तो चाहिए। जब 1% भारत की आबादी जो है उनके साथ है। नहीं, मैं ज्योति के साथ हूँ। आप ज्योति के साथ? बिल्कुल, मैं आलोक के भी साथ हूँ। हाँ। परिवार को अलग नहीं होने दूंगा। तो क्या चाहते हैं, वही तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है इस मामले को लेकर। आप क्या, हम आप ये बताइए कि ज्योति मौर्य जो कहती हैं हमसे, हमारे से भी बात हुई थी कि भाई कहें कि भाई हमें इज्जत को बात, आपसे बात हुई, बात हुई थी, क्या बात पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत को तार तार कर दिए, मतलब पब्लिक कर दिए। तो मैं उनसे यही बात किया था भाई गलती तो कहीं ना कहीं पे आपकी भी है थोड़ी सी। तो आपने ये सवाल नहीं किया कि अगर वो मीडिया के सामने ना आते तो कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, वो आज रहते महसूस भी हो रहा है, वो महसूस हो रहा है और उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं उनकी जो पब्लिक जो आज मीडिया में नहीं बोल रही हैं तो उनको ये महसूस हो रहा है, अब वो कहाँ जाएं ये नहीं क्लियर कर पा रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इनके कई ऑडियो वायरल, मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के कई ऑडियो वायरल हुए थे जिसमें आलोक मौर्य की हत्या करने की प्लानिंग रच रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं आलोक मौर्य मीडिया के सामने ना आते तो उनकी हत्या भी हो सकती है। आज आलोक मौर्य जी आईना है ज्योति मौर्य के लिए। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि भाई जाके और आके साइयां मार सके ना कोई। बिल्कुल, इन्होंने तैयारी तो खूब बना रखी थी, लेकिन वो एक और बात रख देता हूँ कि देखो पति एक परमेश्वर का रूप भी होता है, पति विधाता भी होता है। बिल्कुल, लेकिन इनको एक मैसेज दे देता हूँ ज्योति मौर्य मेरी बहन जी को, पति तुम्हारा विधाता नहीं और तुम्हारा भाग्य विधाता है। और वो जो तुम रिश्ते खराब कर रहे हो ना, बेटे होते हैं भाग से, बेटियां होती हैं सौभाग्य से। सौभाग्य से, बिल्कुल सही कहा। इस रिश्ते को तोड़ोगी ना तो या तो मैं तुम्हारे घर ज्योतिलोक के सामने मर जाऊंगा। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, ये मुझे फील है इसी बात से कि उन बेटियों का भविष्य खराब हुआ। तुम, हम तो कहते तुम दोनों मर जाओ, लेकिन बेटियों का भविष्य ना खराब होने पाए। वो गीदड़ उसकी तो मौत आ गई है फिलहाल, उसकी मौत तो और अच्छी होगी। किस गीदड़ की? मनीष दुबे, उसका कोई करेक्टर ही नहीं है, वो तो मतलब उसका काम ही यही है। बताइए जो उसके परिवार के लोगों को नहीं पता कि वो शादी हुई है, जबकि क्या उनका नाम है उनकी पत्नी फिलहाल तो मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने आरोप भी फाइल भी किया इसने, मतलब उसने शायद ज्योति जी को, मेरी बहन जी को, उसने शायद ये भी नहीं बताओ कि मेरी शादी भी होगी, क्योंकि उनको मतलब भ्रमित करके उनके कंधे पे बंदूक चलाए, मतलब मोहरा बनाया ये है। ये है जी, आज मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, ज्योति जी से इसे सीख लेना चाहिए कि आज आलोक उनके लिए आईना है। कहीं ना कहीं नहीं नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार बचाने के लिए यदि मीडियम भी आए तो उनके लिए आईना है आज आलोक मौर्य जी। बिल्कुल, और यानी कि जैसा कि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि SDM ज्योति मौर्य थी, तो उनको जो है टारगेट बनाया है मनीष दुबे ने। हाँ, यानी कि टारगेट के मौर्य बनाया है कि SDM है तो इनको, SDM है तो इनको जो बड़े फेस नहीं किया, कभी फेस नहीं किया। मतलब ये है तो कि भाई ये मतलब एक क्या होता है उस अल्ट्रक्शन में आकर भाई उनको ये लगा कि भाई अब तक जीवन कभी नहीं हुआ इनको, ये तो खैर इनके मन में महसूस हुआ होगा, क्योंकि मैं भी दो शादियाँ छोड़ मेरी छुट्टी हैं। ये अक्सर ये होता है कि जब पति पत्नी एक हो ही नहीं सकती जब तक थर्ड व्यक्ति नहीं आएगा, अब मैं थर्ड व्यक्ति हूँ, अब इनको समझा लूंगा। समझा लेंगे दोनों? बिल्कुल, एक हो जाए। अब मैं दो शादी छूटी तो मैं किसी को ऐसा, देखो आज तक तो मैं लाखों शादियां छूटती हैं, इस विषय पर तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये मीडिया में आया इसको मैं एक करके ही रहूंगा। बिल्कुल सत्य है। अच्छा अच्छा जी, तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके कहने का मतलब यही है ना कि मनीष दुबे ने जो है SDM ज्योति मौर्य पर जो है टारगेट बनाया था कि ये PCS रैंक के अधिकारी तो इनको जो है अपने अट्रैक्शन में ले लिया। ये तो हर जगह है, आप गांव क्षेत्रों में चले जाइए,
मतलब ऐसा कुछ होता है, पहली बात ये शोषण तो खूब पूरी तरह करते हैं, बड़े उच्च जातियों का ऐसा कुछ काम ही है कि मतलब गरीब जातों के साथ ऐसा करते हैं। जैसे अब क्या कहें, हम कहाँ तक कहें, लेकिन इन्होंने बड़े ओहदे पर भी किया है। अब चलिए हम चल देते हैं कि भाई वो शाहरुख खान उनकी पत्नी गौरी खान, सैफ अली खान उनकी पत्नी करीना कपूर खान, अब खान तो आई है फिलहाल, वो मलाइका अरोड़ा खान, वो तो अलग बात हो गई। क्योंकि देखिए देखिए किसी एक व्यक्ति के गुनाह को हम उस समाज के पूरे व्यक्तियों से दोषारोपण नहीं कर सकते, पूरे व्यक्तियों पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बीजेपी में ही आ जाइए, वो शहनवाज हुसैन भी तो उनके मतलब बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं अच्छे। तो ये क्या है भाई, तुम देश को क्या मैसेज देना, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे, मतलब हम छोटी जातियों को कब्जा करोगे, मतलब जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हों बच्चे हों उन पर कब्जा करोगे, मतलब उनको अपने मतलब मोहरा बनाओगे और उनके साथ शादी करोगे और देश में प्रोपेगेंडा करोगे। लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ इनको अच्छी लगे वो कब्जा कर लें भाई, वो तो भाई इनका यही मकसद ही होता है, ये इसीलिए सरकार कार्रवाई भी नहीं कर रही इस समय बिल्कुल। उसमें कहा गया बाकी होगा कुछ नहीं, इसके पहले भी कई उसके आरोप हुए कि सोशल मीडिया के या कई प्लेटफॉर्मों के जरिए दसियों लड़कियों के साथ ऐसे अपराध किया है। अच्छा चलिए ठीक है, एसडीएम ज्योति मौर्य आपकी बहन है और बहन की तरह आप मानते हैं, बहन की बात है, बहन है आपकी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने किया है, हाँ बताइए, आलोक मौर्य इतना सीधा साधा व्यक्ति, हाँ और अच्छे परिवार से, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनके साथ ऐसा इन्होंने किया और मेहनत करके इनको जो है इस मुकाम तक पहुंचाया, तो उनके साथ ऐसा करना चाहिए था भाई। यही है ना कि भाई उन्होंने इनको मतलब कहने का क्या बोलते हैं, मतलब इनको मतलब अट्रैक्शन ही था, मतलब उनको ये लगा कि भाई मेरा कुछ नया होना, ये बिल्कुल सत्य है, उस विषय में नहीं बोल सकता हूँ मैं कि मतलब ये कुछ अपना ओहदा भूल गई हैं थोड़ा सा, यही है जी कि दुरुपयोग किया अपने पद, हाँ पद का कुछ दुरुपयोग तो फुल किया, यदि जब पहले यदि दुरुपयोग ना की होती तो आज ज्योति सॉरी आलोक मौर्य जी की मृत्यु हो जाती, क्योंकि आज उनके लिए आलोक आज आईना है, अब इनको कहाँ जाना है वो ये डिसाइड करें। अच्छा ये बताइए, आमतौर पर पहले जब आप लोग कभी मिला जुला करते थे तो उस समय इनका व्यवहार कैसा हुआ करता था? बहुत अच्छा था, पहले ऐसी नहीं थी या कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं, वो खुद ही आलोक मौर्य जी बोले 2020 तक तो बहुत अच्छे थे, जब से क्या बोलते हैं मनीष दुबे नहीं बोलते हैं उसको भेड़िया बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं, या और कुछ है नहीं है, ये अपनी समाज के नाम अपनी जात के नाम पर कलंक है इनका। तो खैर उनको जब परिवार को नहीं पता किसकी शादी हुई, जबकि शादी उसकी है, कोर्ट में केस है, जब कोर्ट की जब जाँच आएगी ना तो ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए तो आपके कहने का मतलब ये है कि जब तक इन लोगों को मिला नहीं देंगे, दोनों को पति पत्नी को मिला नहीं देंगे, तब तक आप जो है चैन से नहीं, अभी तो हम फिलहाल बातचीत कर रहे हैं, फिलहाल हम बहुत सारी सोच रखे हैं कि हम पूरे देश में यदि ज्योति मौर्य जी कहती कि मेरी तार तार कर दी तो आज उनके साथ भाई खड़ा है, अब भाई हमेशा बहन की इज्जत ही करता है। आप बता रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य सिर्फ अट्रैक्शन में पड़ गई, चलिए ठीक है, तो अट्रैक्शन में ऐसे पड़ा जाता है कि दो बच्चियों को भविष्य नाश कर दें और साथ में अपने पति पर ही जिसने इस मुकाम तक पहुँचाया उनके ऊपर ही दहेज प्रथा दुनिया का जो है दुनिया की प्रताड़ना उस पर शुरू कर दें, आपके हिसाब से ये उचित है? इस विषय तो अब उनकी जो मतलब इस विषय तो हम नहीं माइंड रीडिंग क्यों कैसे नहीं बोलेंगे आप नहीं, हाँ कुछ तो गलत है, गलत तो बोल सकता हूँ, गलत किया उन्होंने, गलत किया अपने पति को ही मरवाने की जो है हत्या करने की साजिश में प्रकरण है, इस विषय तो हम उनको गलत ही ठहराएंगे फिलहाल, लेकिन उन्होंने गलत किया इस विषय पर भाई, वो थोड़ा सा अब जो भी हो उनके अंदर जो भी। तो आपको क्या लगता है इन दोनों को एक होना चाहिए? होने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, नहीं होंगे तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं ऊपर, लेकिन होंगे मतलब जाने के लिए इससे नहीं तैयार, इनको एक करा के या तो एक जाएंगे तो हम यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं मतलब यहाँ पे अन्न जल सब त्याग देंगे, अब हमें तैयारी पे भी है। इनके अनशन पर बैठेंगे आप? अनशन नहीं, इनको एक करा के बैठेंगे दीदी, हम उसमें एक में हम ही चले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल सत्य है। अच्छा जब ये मामला आपने सुना तो उसके बाद आपको क्या लगा, जैसा कि आप लोग पहले जानते थे? मैं कम से कम कहता हूँ कि मैं दो दो तीन तीन जीबी नेट हमारे आते हैं, दो दो मोबाइल में तीन तीन जीबी सब ख़त्म हो जाता है इनकी, मैं आज सुन सुनकर मैं बहुत पागल भी हूँ और मैं खुद डिस्टर्ब हो गया हूँ। आज मुझे यहाँ पे आने का एक मतलब इससे तो पहले मैं जानता ही था इनको, ऐसा कुछ नहीं था, आलोक जी से मैं बात की, सबसे बात की, इनसे भी बात हुई, लेकिन ये ऐसा विषय कि विषय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल सत्य है, ये ऐसा फैमिली मैटर है, ऐसे होते रहेंगे तो आज देश की उन महिलाओं का उनको जागरूक होना चाहिए कि आज हमारी वजह से आज तुम एक परिवार बना लोगी, लेकिन उन महिलाओं का क्या होगा जो तुम्हारी वजह से
घर पे बैठी हुई हैं, इनको जागरूक मतलब एक उठना चाहिए, जागना चाहिए उन महिलाओं के लिए। और उस मनीष दुबे भेड़िए जैसे लोगों को, जैसे तुम्हारे साथ गलत किया है, आज तुम्हें परिवार से, समाज से और अपनी बेटियों से और अपने पति और सब परिवार से अलग किया है, उसको ऐसा इनको अंजाम देने के, उसके खिलाफ खुद ब्लैकमेल करने के जुर्म में इनको और यौन शोषण के जुर्म में इनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। और देश जी और देश के लिए एक इनको मिसाल कायम करनी चाहिए, मेरी यही सोच है। आप भावुक हो गए शायद जी, आज एक बहन मतलब कभी कभी होता है बहन के लिए आपका इतना वो हमारे मतलब आज देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। वो भेड़िया टाइप का आदमी राक्षस आज किसी घर को बर्बाद करके रखा है, तो बताइए आप क्या कहेंगे। आप देख लीजिए दोस्तों, ये SDM ज्योति मौर्य के मुंह बोले भाई हैं, सगे भाई तो नहीं, मुंह बोले भाई हैं, और ये SDM ज्योति मौर्य को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और ये बातें करती हूँ इनकी आंखें डबडबा आई और ये जो है भावुक हो गए, रोने लग गए हैं। हालांकि इनका जो कहना है, अभी इन्होंने कहा कि जिस तरह से SDM ज्योति मौर्य को ब्लैकमेल किया गया है, तो सारी बहनें भी कहाँ जाएंगी फिर। हम तो हर बहनों को कहना चाहिए कि आप अपने पति के साथ एक अच्छा जीवन जिए, ऐसे भेड़ियों को यदि कोई तुम्हें, मैं ये भी एक विचार और रखना चाहूँगी, यदि तो आप यदि मैं ज्योति मौर्य ऐसा कुछ काम करती हैं कि इसको जेल भिजवाने का काम करें, और हर बहने ये सीखें कि और यदि हमारे पति यदि हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, तो उस उनको अपने परिवार की ध्यान देने ऐसे नहीं भेड़ियों की ज़रूरत है। कि आपके कहने का मतलब यह है कि SDM ज्योति मौर्य को अपने पति के साथ देना चाहिए, मनीष दुबे के ऊपर मिलकर कार्रवाई करवानी चाहिए, जेल कराना चाहिए। आखिर तुम हो कौन, तुम फेसबुक के जरिए जुड़ गए, और तुम मतलब जैसा भी तुमने बताया, इसने खूब झूठ बोला होगा, जब उसके परिवार को नहीं पता कि इसकी शादी हुई या नहीं हुई। अभी कई वीडियोस में हम देखे, हम वहाँ तो गए नहीं गए, उसके परिवार के लोगों को नहीं पता कि उसकी शादी हुई, जबकि मनीष दुबे, हाँ मनीष दुबे, वो इनसे भी झूठ बोला होगा। अब ने वो ज्योति मौर्य बाय द वे मेरी बहन है, उनके जागरूक करना चाहिए और एक मिसाल कायम करनी चाहिए। यदि मैं उनको बहन बोल रहा हूँ तो वो भाई के लिए कुछ करना चाहिए, और उनको जेल भी जाने का काम करना चाहिए, जिससे उन महिलाओं का भविष्य जो आज चौपट है उनको सीख मिले, और ये कहेंगे दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति काम नहीं होना ठगी सिवा नहीं दिए तो परिवार। कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि SDM ज्योति मौर्य को ब्लैकमेल किया गया है, उनका ठगी तरह उनका मतलब माइंड क्या होते हैं, वाश किया गया है। तो वही शैलेश जी, अगर हम बात करें तो कल का भूला अगर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते, उनसे हम खुद ही फोन पर बहुत सारी बात। इसमें आलोक मौर्य जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी, उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियों के लिए बात कर लेंगे, कि लोग कहते हैं कि मतलब संस्कार और परंपरा लोग भूल जा रहे हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग परंपरा भूल चुके हैं। यदि उसने आज प्रेम का तो नाम ही निशान नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, आज वो अपने परिवार के लिए प्रेम दिखा रहे हैं, मतलब हाथ जोड़ने के लिए तैयार है। हम तो कहते ज्योति मौर्य जी आपके हम चरण स्पर्श करते हैं, हम कहते तुम्हें यदि तुम्हें इज्जत की बात है तो 10,000 भाई आएंगे आपके साथ, आप सम्मान हम रखेंगे भाई, आपको वापस उस घर में आना पड़ेगा, हम बहुत भाई ढूंढ लेंगे आपकी इज्जत के लिए, लेकिन उस भेड़िया के लिए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये हमारी अब जिद पे है, चाहे मौत हो जाए, हम उस आलोक मौर्य किसी एंगल से गलत नहीं है, फिलहाल गलत भी हैं, चलो ठीक है तुमसे बोला तो उसकी कमाई से भी बने हो तुम, चलो ठीक है उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी करके पढ़ाए, लेकिन आज तो उन्हीं कमाई उन बेटियों के भविष्य छीन रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम क्या बताएं, बोलने का शब्द नहीं, बहुत डिस्टर्ब है हम। तो अंत में SDM ज्योति मौर्य जी अगर आपका वीडियो देख रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहते हैं भैया ये घर वापसी आओ, जो जरूरत तो हमारे लाग, तो हम आपके नतमस्तक हैं, आपको प्रणाम करते हैं, हम तुम्हारे लाखों भाई हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई कमी नहीं है, बस अपना परिवार चलाइए, अपना समाज चलाइए, और अपने भारत की बेटियों के ऊपर जो कलंक लगे उनको मिटाने का काम करें, और अपने बेटियों का जो सबसे बड़ी तुम्हारी बेटी हैं और आपके पति, उनको अच्छा जीवन दीजिए, इससे बड़ी मैं प्रे कुछ नहीं कह सकता हूँ। बस यह देश का मुद्दा है इसलिए मैं उनसे बोलने की भी कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल मुझे बोलना भी नहीं चाहिए फिलहाल किसी मामले में, लेकिन ये उनसे प्रे करता हूँ, प्रे नहीं है मैं चार छूँगा उनका, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी बहन है सब, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और समाज में इसका असर भी काफ़ी देखने को मिला है जब से ये मामला आया। नहीं बहुत देखने को मिला, हम तो कहते हमारी दो भांजी उनको बंद करा दिए पढ़ाई, हमने कहा तुम्हें हाई स्कूल इंटर हो गया है, तुम अपना घर संभालो, जो तुम्हारे बच्चे उनको संभालो भाई, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, जब पति खुद कमाएगा उस हिसाब से घर हम ढूंढेंगे तुम्हारे लिए भाई, उस हिसाब से हम घर तुम्हें ढूंढेंगे ना, उस हिसाब से तो चलिए ठीक है मिलेगा।
चलिए ठीक है। तो ये आप सुन पा रहे थे, ये शैलेश चौधरी थे, और बता दें कि इस वक्त हम SDM ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के आवास के बिल्कुल ठीक सामने मौजूद थे। ये आप देख पा रहे हैं, यही है उनका बंगला जो आप तस्वीरों में इधर देख पा रहे होंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यही है वह बंगला, इधर आप देख पाएंगे, ये है SDM ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य का बंगला जो आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और ये प्रयागराज के झलवा क्षेत्र में है, और बता दें कि धूमनगंज थाना लगता है, और यही है वह आलीशान मकान जिसको छोड़कर आज उथल पुथल हो रही है, तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे जो है समाज में चल रहे हैं। बताइए किस चीज़ की कमी थी, आप देख पा रहे होंगे इतनी शानदार बिल्डिंग है, इतना शानदार मकान है, पूरी ऐसो आराम के साथ ज़िंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन आज यह सोना घर, बताइए जिस घर में जो है बच्चों की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए थी, दो बेटियों की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए थी, आज वह घर सूना सूना पड़ा है, यानी कि पूरी तरह से ऐसा लगता है कि जैसे ये वीरान सा हो गया है घर। सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा इन्होंने किया और क्या ये सब चीज़ करने की ज़रूरत थी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यही था मकान। तो आशा करता हूँ आज की खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।